30 रुपए में दे दोगे भाई, ये 100 रुपए में आते हैं। गुल्लक जो होती है 100 रुपए की आती है मार्केट में, लोगे तो आप छाट के आप चीजें ले सकते हो भाई, घरों में यूज होने वाली चीजें। ये देखो भीड़ कितनी सारी है यहाँ पे, काफी लोग आए हुए हैं लेने के लिए। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है बर्तनों की, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे रेटों में चीजें मिल जाएगी, आपको मिल जाएंगे। देखो इसमें नए भी हैं, ये देखो बिल्कुल फ्रेश का माल है, बिल्कुल नया, और इसमें थोड़े बहुत डिफेक्टेड भी होते हैं। जैसे ये देखो इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये देखो थोड़ा ये डिफेक्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज की जो वीडियो होने वाली है भाई, एक बार फिर से बर्तन मार्केट के ऊपर रहने वाली है, जो कि डिप्टीगंज में पड़ती है। मैंने आपको पहले ही वीडियो दिखाई थी, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो भाई उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का। तो चलते हैं मार्केट में, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो अगर आप लोगों को इस मार्केट में आना हो, 30,000 मेट्रो और आर के आश्रम मेट्रो के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो भाई। आने के बाद वहाँ से बैटरी रिक्शा लेना है आप लोगों को, रिक्शा लेने के बाद आप मार्केट में आओ, यहाँ पे चीज़ें देखो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती है। तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पर देख रहे हो वीडियो को तो भाई पेज को फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी मार्केट लगती है, मार्केट सुबह सुबह लग जाती है, 8-9 बजे से सुबह मार्केट लगती है, संडे के दिन पटरियों पर सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या रेट में हमें चीज़ें मिली। एक दुकान है, इस पर चलते हैं भाई के पास, यहाँ पे रेट लेते हैं कैसे कैसे रेट में होने वाले हैं। तो भाई बर्तन कैसे रुपए, कितने रुपए किलो के हिसाब से, कैसे ये किलो के हिसाब से है, कितने रुपए किलो है? 180 रुपए किलो, यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, 180 रुपए किलो के हिसाब से। अगर ये लेंगे कितने बर्तन आ जाएंगे भैया एक किलो में? वजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अच्छा, 4 भी आ जाएंगे 5 भी आ जाएंगे, कैसे भी ले सकते हैं, जैसे 12 भी आ जाएंगे। अच्छा, छोटे छोटे लेंगे, हल्के हल्के 10-12 भी आ जाएंगे इसमें हैं। तो ये ऐसे ऐसे बर्तन होने वाले हैं यहाँ पे किलो के हिसाब से, ये देख सकते हो यहाँ पे भाई कैसे कैसे बर्तन है, छाट के लेने पड़ेंगे आपको देख के, लेकिन इसमें से छाट के आप ले सकते हो सामान, इसमें से काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, यूज़ की चीज़ें हैं। 180 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। देखो इसमें नए भी हैं, ये देखो बिल्कुल फ्रेश का माल है, बिल्कुल नया, और इसमें थोड़े बहुत डिफेक्टेड भी होते हैं। जैसे ये देखो इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये देखो थोड़ा ये डिफेक्ट है। तो 180 रुपए किलो है भाई, यहाँ पे फ्रेश की चीज़ें ज़्यादा हैं, आप छाट के लोगे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। ये देखो ये वाली प्लेट देखो, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम एकदम नई है। बर्तन तो वैसे खैर सारे नए हैं, लेकिन इसमें से आपको छाटने पड़ेंगे, छाट के आप चीज़ें ले सकते हो भाई, घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें। ये देखो भीड़ कितनी सारी है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं लेने के लिए। 180 रुपए किलो के हिसाब से आपको ऐसे ऐसे बर्तन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बार रेट देखते हैं अंकल जी से, कैसे कैसे रेट में चीज़ें होने वाली है। अंकल क्या हाल है? ठीक हो? 12 लाख लोगों ने देखी आपकी वीडियो, 12 लाख लोगों ने आपकी वीडियो देखी, पहले बनाई थी मैंने तो, हाँ वहाँ पे बनाई थी जो। कैसे देने वाले हो डब्बे? 50 रुपए का एक डब्बा दे दोगे? किलो के हिसाब से क्या हिसाब किताब है बताओ जरा। आज 200 रुपए किलो में दे दोगे? 200 रुपए में 4-5 पीस आ जाएंगे इसके बॉक्स के। तो भाई ये 200 रुपए किलो के हिसाब से आपको ऐसी ऐसी बड़ा साइज है, फुल रोटी रखने के लिए है ना, ये रोटी रख लो, कुछ भी रख लो, मसाले रख लो इसमें, कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये कैसे? 20 रुपए में मसालेदानी मिल जाएगी आपको, देख सकते हो भाई यहाँ पे अंकल जी के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आज एक एक करके। तो अंकल कैसे हैं ये? 30 रुपए में दे दोगे भाई? ये 100 रुपए में आते हैं, गुल्लक जो होती है 100 रुपए की आती है मार्केट में लोगों, तो आप ये देखो थोड़ा बहुत ही इसमें है, बाकी स्क्रैच पड़े हुए हैं, बाकी फ्रेश भी मिल जाएंगे इसके अंदर से आप लोगों, तो इसमें से छाटने पड़ेंगे आपको। देखो ये फ्रेश है बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको 30-30 रुपए के हिसाब से मिलेगी। और भाई यहाँ पे इतने सारे हैं, यहाँ पे टिफिन वगैरह भी है, टिफिन के रेट बढ़ते हैं। टिफिन अंकल 40 रुपए में टिफिन मिल जाएगा, 30 रुपए में ये बुक मिल जाएगा आपको, ऐसे ऐसे रेट में यहाँ पे चीज़ें हैं। और चम्मच वगैरह देखते हैं, चम्मच हैं? ये देखो भाई चम्मच है, कैसे दे रहे हो अंकल? हाँ ये छोटी वाली चम्मचें होती हैं, करछियाँ 5 रुपए की है ये। तो भाई ये 5-5 रुपए के हिसाब से आपको ये वाली चम्मचें मिल जाएगी यहाँ पे। करछी कैसे अंकल? 25 रुपए की, 25 रुपए में भाई करछी ले जाओ यहाँ से, ठीक है। वेट के हिसाब से अगर दोगे तो कितने रुपए किलो दोगे? 200 रुपए किलो। तो भाई वेट के हिसाब से अंकल 200 रुपए किलो के हिसाब से आपको ये चीज़ें दे देंगे यहाँ पे। और ये कैसे अंकल? 200 रुपए एक एक किलो का है, किलो के हिसाब से 200 रुपए में बर्तन मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छा ये वेट के हिसाब से कितने का पड़ेगा? 60 रुपए में, ये 60 रुपए में ले जाओ भाई वेट करा के यहाँ से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों में मिल जाती है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अंकल आप संडे को ही लगाते हो यहाँ पे खाली ना? आज मैं अंकल का नंबर भी दूंगा आप लोगों को, और यहाँ पे आके आप चीज़ें देखना भाई। ये पराते देखो 200 रुपये, 200 रुपये किलो ये भाई पराते देख लो, 60 रुपये का एक पीस है ये भाई, 60 रुपये में एक पीस मिल जाएगा यहाँ पे। डिजाइन भी इसमें काफ़ी सारे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे बर्तन यहाँ पे आपको मात्र 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएंगे, 180 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। और ये बड़े वाले गुल्लक पता करते हैं एक बार अंकल, ये बड़े वाला गुल्लक कितने का है? 70 रुपये में भाई, ये 70 रुपये का मात्र मिलेगा आपको यहाँ पे।
तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। अगर आप अपने यहाँ से लोकल मार्केट से खरीदने जाओगे 200 रुपये से कम में कोई भी नहीं देगा, 150-200 रुपये, क्योंकि 100 रुपये में तो छोटे वाले आते हैं भाई, हमने यूज़ की हुई है चीज़ें तो इतना तो पता ही है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मात्र आप लोगों को सस्ते सस्ते में, आइए 30 रुपये में, अभी आपने बताया था मैंने दिखा दिया, 30 रुपये में मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी रेट में सारी सारी सस्ती सस्ती चीज़ें होने वाली है। ये फ्राई पैन वगैरह भी, ये कैसे दे दोगे अंकल, कितने में? 50 में दे दोगे? ये तो ये 50 रुपये में आपको दे देंगे भाई, यहाँ पे फ्रेश का माल है, आप इसमें से छाट के ले सकते हो, देख के जैसा भी होगा आप यहाँ से चीज़ें आओ और देखो। मैं अंकल का नंबर आपको दे देता हूँ, नंबर पे आके आप कॉल कर लेना, कॉल करके यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। प्लेट दिखाता हूँ भाई, आना भाई, फ्रेश की प्लेट है भाई। कैसे दे रहे हो? दर्जन होता है यार, दर्जन का 200-250-210 रुपये, 210 रुपये की एक दर्जन प्लेटें मिल जाएगी भाई आप लोगों को। साइज़ देखो इन प्लेटों का, छोटा साइज़ है, नॉर्मल जो होता है कॉम्पैक्ट साइज़ घर में जो चल रहा है वो वाला साइज़ है इन प्लेट्स का। 210 रुपये की एक दर्जन, 15 रुपये का पीस दे दोगे? ये वाला पीस भाई 15 रुपये में एक मिल जाएगा। अच्छा, कोई सी भी 15 रुपये में एक पीस मिल जाएगा है? तो ये देख लो भैया दिखा रहे हैं हमें यहाँ पे, 15 रुपये पीस के हिसाब से ये प्लेटें मिल जाएगी आप लोगों को। और ये डोंगे भी मिल जाएंगे भैया, डोंगे कैसे दे दोगे? ये वाले 30 रुपये में एक डोंगा, ये लो भाई 30 रुपये का एक डोंगा मिल जाएगा। डोंगे का साइज़ देखो कितना गहरा गहरा डोंगा है, बिल्कुल कटोरा एकदम डोंगे का साइज़, सर्व सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए आपको 30 रुपये में मात्र यहाँ पे मिलेगा। है भैया, अगर कहीं वो लोग 70 रुपये, हाँ 70 रुपये 80 रुपये जैसी जगह होगी वैसे हिसाब से मिलती हैं चीज़ें। तो भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है मार्केट में। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमें मिले। भाई मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ भाई से पता करके एक बार अपने। तो भाई ये कढ़ाई कैसे दे दोगे आप? 400 रुपये की कढ़ाई, 400 रुपये में कढ़ाई है भाई, 2 किलो वेट होगा इसमें कम से कम, है ना? 2 किलो वेट है इसमें, 400 रुपये की कढ़ाई है। नॉन स्टिक वाली है? नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है। कितने का लगाएगा? मार्केट है कुछ ऐसी, यहाँ पे ऐसे ऐसे शॉप्स हैं, ऐसी ऐसी पटरियाँ लगती हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है ऐसी ऐसी जगहों पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे भैया से रेट पता करते हैं एक बार कैसे कैसे रेटों में चीज़ें मिल जाएगी। कैसे दे रहे हो भैया करछी? 50 की है ये भाई, काफ़ी हैवी करछी है, 50 रुपये में आपको यहाँ पे मिलेगी। और ऐसे ऐसे घर के किचन से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा आप लोगों को, सारा जितना चाहिए A to Z। 180 रुपये में तवा, तो ये तवा आपको 180 रुपये का मिल जाएगा, हैवी वाला है ना, हैवी वाला तवा आपको 180 रुपये मिलेगा। 180 रुपये में फ्राई पैन सारा, मतलब फ्रेश वाला माल है ये वाला है, ये भी चाय वाला भी 200 रुपये, ये 200 रुपये में मिलेगा यहाँ पे। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये 150-200, ये स्टील का है, ये कितने का है? 400-250, ये 250 रुपये में आपको स्टील का फ्राई पैन मिलेगा भाई, चाय वगैरह बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी रेट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप मार्केट में आओगे तो। यहाँ से भाई अंदर एंट्री करोगे, यहाँ पे सामने भैया की दुकान मिलेगी आपको, रोज़ लगाते हो ना आप तो। ये तो जी ये नंबर है भैया का, इस पर कॉल कर सकते हो, संजीव कटलेरी के नाम से दुकान है भैया की, इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो आप, यहाँ पर आ सकते हो सामान देखने के लिए। एक कितने का? 110 रुपये की, तो ये देख लो भाई 110 रुपये की इमाम दस्ता मिल जाएगा आपको 110 रुपये में, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। लो भैया, तो यहाँ पे सर चकला बेलन का रेट लेते हैं। ये कैसे अंकल जी, लकड़ी का चकला बेलन 100 रुपये का सेट है, चकला भी आएगा बेलन भी आएगा साथ में? अच्छा, बेलन भी इसके साथ में बढ़िया वाला मिलेगा आपको, 100 रुपये का सेट मिल जाएगा आपको, 100 रुपये में मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये देखो भाई, ये छो पूड़ी वगैरह पकोड़े वगैरह तलने के लिए कढ़ाई में 80 रुपये में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 80 रुपये का रेट है इसके। और ऐसे ऐसे रेट यहाँ पे मार्केट में होते हैं, काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है आप लोगों को। इस मार्केट में आप आ सकते हो, होलसेल में रिटेल में जैसे भी चीज़ होगा, पूरी मार्केट है भाई ऑल ओवर इंडिया में, यहीं से ट्रांसफ़र होता है माल। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है बर्तनों की। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे रेटों में चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो भाई आप लोगों को पतीले वगैरह काफ़ी अच्छे और सस्ते रेटों में मिलेंगे। तो भैया से गिलास के रेट पता करते हैं, भैया गिलास कितने कैसे रेट देते? 40 रुपये एक गिलास दोगे? एक गिलास आपको यहाँ पे 40 रुपये मिल जाए। अच्छा, डब्बे में पैक करके 250 रुपये में 6 पीस का पैकेट मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। ये वाला 20 रुपये का बताया भाई गिलास, ये वाला गिलास भाई 20 रुपये में आपको मिल जाएगा यहाँ पे भैया के पास। तो आ सकते हो यहाँ पे, ऐसे ऐसे बर्तन काफी सारे मिल जाएंगे आपको। भाई चम्मच कैसे दे रहे हो? 10 रुपये की एक है, हैवी चम्मच भाई 10 रुपये में एक मिल जाएगी आपको, 10 रुपये की। अच्छा, 10 रुपये की। और ये वाली भैया आगे वाली 10 की 2 है, ये वाली 2 रुपये, 10 रुपये में 2 चम्मच मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये मतलब चम्मच भारी है, 10 रुपये की 2 मिल जाएगी, 10 रुपये की 1 मिल जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे इनके रेट पता करते हैं, स्टार्टिंग प्राइस कितने से अभी इनकी?
120 रुपये से स्टार्ट है और ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे ऊपर। 120 रुपये का ये है। अच्छा 200, 250, 280, 320 ऐसे रेट बढ़ते हुए आपको काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। जितना भी चाहिए होगा सारा सामान मिलेगा यहाँ पे, मिक्सी से लेके और जग से लेके, जार से लेके, प्रेस लेके, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हम एक बार जग के रेट पता करते हैं भैया से। ये जग कैसे है पता है आपको कुछ? कैसे बताओ? 850 रुपये का ये मिल जाएगा। कितना, 15 लीटर है? 22 लीटर 22 लीटर 850 रुपये में नया सा कंपनी का ब्रांडेड चीज़ आपको मिलेगी। और डिनर सेट कैसे कैसे होते हैं अपने पास? 400 रुपये से स्टार्टिंग है ये वाला। तो ये भाई देख सकते हो 400 रुपये से स्टार्टिंग है डिनर सेट की और ऐसे ऐसे रेट में 400 रुपये से ऊपर बढ़ते रहेंगे। जैसे भी जाओगे स्टार्टिंग प्राइस 400 रुपये है, तो 400 रुपये से ऊपर जैसे जाते रहोगे। और मिक्सी भैया, मिक्सी कितने रुपये की है ये वाली? 2000 रुपये की मिक्सी है ये। जूसर मिक्सर है? जूसर, अच्छा मॉडल मिक्सी है। 750-750 वाट में मॉडल मिक्सी मिल जाएगी आपको। तो इसमें मिक्सर ग्राइंडर है, काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, आ सकते हो भैया के पास। तो देखिए भाई आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आप लोग इस मार्केट में आने वाले हो तो ये भी बताना हमारे को, थोड़ा सा हमें पता लगेगा भाई कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहा है। चलो फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.